इंजमाम सामना कर रहे हैं जो एंजल का, एक रन हासिल किया इंजमाम ने। एक दिलचस्प जो रिकॉर्ड मैंने अभी पता चला है, काफ़ी लोगों को भी पता है, दो दुनिया के ऐसे ग्राउंड हैं, एक तो बारबाडोस वेस्टइंडीज़ में और कराची पाकिस्तान में। खूबसूरत शॉट मुश्ताक अहमद का, एक रन हासिल किया, अच्छा टाइम किया था ये शॉट मुश्ताक। बारबाडोस और कराची दो ऐसे ग्राउंड हैं दुनिया के जिसमें जिन पे मेज़बान टीमें कभी मैच नहीं हारती थीं, मगर पिछले साल इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को बारबाडोस में हराकर तकरीबन 59 साल बाद ये उनका ये मिथ तोड़ा था वहाँ पर। और आज ऐसा लगता है कि 35 साल बाद, जब से ये पहली दफ़ा होगा कि नेशनल स्टेडियम पे अगर पाकिस्तान की टीम हारती है तो मेज़बान टीम हारेगी। चार रन के लिए इस चीज़ को महसूस करते हुए कि ये रिकॉर्ड टूट ना जाए। चार रन के लिए खूबसूरत शॉट मुश्ताक का, चार रन के लिए शॉर्ट बॉल और उसे मिड विकेट की जानिब खेल दिया। चार रन के लिए शॉर्ट बॉल ऑप्शन से बाहर गिरा और इसे खेल दिया चार रन के इंजमाम ने। और अब 27 रन चाहिए पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए। दूसरे रन के लिए भी वापस होंगे तेजी से, दो रन और हासिल हुए, 21 रन चाहिए पाकिस्तान के लिए। नौ खिलाड़ी बहुत ही शानदार 50 इंजमाम हक के, और ये 50 शायद उनको अपनी सारी जिंदगी याद रहे। अच्छे 50 कोई कर नहीं सकता, जो वक्त पे हों जब ज़रूरत हो टीम को उस वक्त किए जाएं। 10 रन भी बहुत वैल्यूबल हैं। अब जैसे ये मुश्ताक खेल रहे हैं, खेले हैं चार रन के लिए मुश्ताक अहमद, 16 रन से आए सेकंड पोजीशन पर खेल दिया है थर्ड मैन के जाने चार रन के लिए हक में, 12 रन से आएंगे पाकिस्तान दो मैच जीतने के लिए। शुरू में हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैच खेला गया था। एक रन का और इजाफा हुआ, 8 रन चाहिए पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। पहली दफ़ा कोई खतरनाक गेंद हुआ है, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। क्या होता है किसे पता, 8 रन चाहिए मैच जीतने। जानब खेले हैं इंजमाम और एक रन और हासिल किया, 7 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। खूबसूरत शॉट खेला है मुश्ताक ने, 6 रन की जानब, 20 रन के लिए वापस, 5 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड है पाकिस्तान कराची के नेशनल स्टेडियम का, जहाँ पर पाकिस्तान जब से ये स्टेडियम बना है कोई मैच नहीं हारा। मुझे तो यही लग रहा है अब ज़ाहिर से ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा, कम से कम इस मैच में तो नहीं टूटा। इस टेस्ट मैच इस टेस्ट मैच के बाद यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि टेस्ट सीरीज बहुत ही दिलचस्प होगी। दोनों टीमों में बहुत फाइटिंग क्वालिटीज हैं, दोनों टीमें बहुत अच्छा टीम है। डिसीजन जो भी हो पाकिस्तान जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते हुई और जो मुकाबला हुआ है उसके साबित हो जाएगा दोनों टीमें बराबर की। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच और जिसमें हर रोज़ कोई ना कोई तब्दीली होती रही मैच में। दोनों टीमें एक दूसरे के पर सबक ले जाने के लिए कोशिशें करती रहीं, मगर आज के दिन जो पाकिस्तान के आखिरी बैट्समैनों ने बैटिंग की है, ख़ासतौर पर राशिद, इंजमाम और मुश्ताक ने, वो शायद सारी ज़िंदगी उन्हें याद है। और इस पूरे स्टेडियम को जो भी इस वक्त मौजूद है, जो तमाशा इस वक्त टेलीविज़न पर देख रहे होंगे इस मैच को या वीडियो के सुन रहे होंगे, अभी पहली बार क्या होगा कि पाकिस्तान के लिए मैच जीतते हैं तो 314 रन बनाकर चौथी ओवर में पाकिस्तान की टीम को मैच जीता। शेन वॉन सामना कर रहे हैं इंजामुल हक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मिस कंपनी और शायद जिंदगी